नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है अगर आपके पतले बाल हैं तो आप कैसे जो है गजरे वाला जूड़ा बना सकते हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ गया है और दशहरा दिवाली सब आने वाली है। और आप लोग कितने दिन से कह भी रहे थे कि आप अपना जूड़े को कैसे बनाते हो बताओ, तो आज की वीडियो बस इसी पे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। थोड़ा सा व्रत की वजह से, जो तीज का फास्ट रखा था उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, लेकिन अभी ठीक है, तो इसलिए आप फेस पे भी माइंड मत करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बाल ठीक ठाक हैं, मतलब थोड़े घने हैं, तो आप हमेशा इतना पतला रबड़ बैंड लीजिए। लेकिन अगर आपके बाल मेरे जितने हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन हैं, तो आप ऐसे दो रबड़ लीजिए। उस एक गजरा चाहिए आपको। गजरा मैंने आर्टिफिशियल लिया है आज, जो है वो वाला गजरा नहीं है, क्योंकि मैं मंगा भी नहीं पाई पहली बात। और दूसरी बात की पता है, जब मैं यहाँ आई थी तब 50 रुपये मीटर गजरा देते थे, अभी उस दिन तीज पे मंगाया तो 80 रुपये मीटर गजरा देते हैं ये लोग, और 3 मीटर से कम में मेरा गजरा होता नहीं है। तो अब इससे अच्छा है मैंने सोचा मैं एक आर्टिफिशियल गजरा ही मंगा लूँगी। अब देख रही हूँ कहाँ ऑनलाइन मिलता है अच्छा या मार्केट में, मैं लेके रख लूँगी, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैक्सिमम गजरा लगाऊँ। तो ये मेरे बेटी के प्रोग्राम का था, तो आप इसको ही समझ लीजिएगा कि ये असली है। जब आप लगाइएगा तो असली लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौनी मैंने बना ली है, क्योंकि बहुत गर्मी है, आप लोगों को आवाज़ क्लियर आए इसलिए मैं फ़ैन भी बंद कर देती हूँ। तो अभी देख लीजिए मैंने जो है पौनी बना ली है, दिख रहा होगा आपको। अब करना क्या है, ये दोनों बाल आप अलग कर लीजिए, यहाँ से अलग कर लिया, यहाँ से अलग कर लिया। अब जो है इसको ऐसे धीरे धीरे ट्विस्ट करिए कि बालों में जो है बाउंस बना रहे, दिख रहा होगा आपको। जितना नीचे तक आपके बाल जाते हैं उतना आप ऐसे ट्विस्ट करते रहिए। अब क्योंकि नीचे से मेरे बाल थोड़े पतले, थोड़े क्या मतलब बहुत ही पतले हो जाएंगे, तो मैं बस अब यहीं पे इसको जो है ये लगा लूँगी, ये वाला रबड़ जो पतला वाला है वो नीचे लगा लूँगी। अब करना क्या है, इनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आपको फैलाना है जो आपने ट्विस्ट किया है। उसके बाद अब देखिए आप यहाँ पे आता है जूड़ा पिन का काम। ये एक बार आप यहाँ करिए, ऊपर ले जाइए, और अगर यही थोड़े से घने बाल होते हैं तो आपको बार बार ये जूड़ा पिन लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप एक ही बार में जूड़ा पिन लगा सकते हो। बट थोड़े थीन बालों में ये होता है कि आपको हर स्टेप पे जूड़ा पिन लगाना पड़ेगा। ये देखिए आप एक यहाँ लगा लीजिए, लेकिन हाँ इससे ये भी रहेगा कि आप चाहे कितनी भी देर लगा के रहेंगे आपके बाल जो है एकदम नहीं निकलेंगे। अब जो है जो बालों में हमने रबर बैंड लगाया था उसको और ये वाला लेके इसको यहाँ पे सिक्योर कर लीजिए। आप अच्छे से जूड़ा पिन चारों तरफ लगाइए। अगर दिख रहा होगा आपको तो मैं और पीछे हो जाती हूँ, देख लीजिए। अब देखिए आप बाल मेरे कितने पतले कितने थिन है, लेकिन जूड़ा मेरा कितना अच्छा बना है। अगर आप चाहें तो बिना जो है गजरे के भी ऐसे भी रहेंगे ना, बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा लगेगा। जो ट्विस्ट करने से क्या होता है कि बालों में बाउंस आ जाता है, तो जो हमारे पतले बाल होते हैं वो भी जो है एकदम अच्छे लगते हैं। अब क्या करना है, ये गजरा हमने ले लिया और इसमें लगा लिया हमने ये वाला पिन, जो ये हेयर क्लिप होता है। अगर हेयर क्लिप नहीं है आपके पास तो आप जूड़ा पिन से भी काम चला सकते हैं, वो भी कैसे मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हेयर क्लिप आपने यहाँ पे लगा लिया,
अब जो है को धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे। यहाँ पे एक जूड़ा पिन लीजिए या यूपिन, जो इसको यूपिन भी कहते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए बस। अब ये आपका कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम फर्स्ट क्लास जूड़ा तैयार हो गया है। आपके पतले बाल हैं, मोटे बाल हैं, अगर मोटे बाल हैं तो फिर जो है आपको मोटा वो रबड़ बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पतले बाल हैं तो आपको थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा, गर्मी बहुत लग रही है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये, और आप लोगों की डिमांड भी पूरी हो गई होगी। कई लोगों ने इसको ऐसे भी मैं रखती हूँ, अगर फेस्टिवल पे जुड़ा गजरा लगा के, या फिर आप कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं, अभी जैसे मुझे बाहर भी जाना है तो मैं इसलिए जो है इसको कभी गजरा निकाल दूँगी और बिना गजरा के सिर्फ जुड़ा जो बना है उसके साथ में जाऊंगी बाहर। तो ये रही आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।